सकते हो आप काफी जो है मोमोज का साइज काफी बड़ा, एकदम गर्मा गर्म मोमो है, बढ़िया बनाते हैं भैया ऐसे ज्यादा। वेलकम बैक टू अवर चैनल माय फूड क्रिएशन, वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। तो भाई आज हम जा रहे हैं विकासपुर के स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करने, और हम काफी सारे स्ट्रीट फूड आज आपको ट्राई करके बताएंगे। चलते हैं अपनी फर्स्ट लोकेशन पे। बढ़िया बनाते हैं भैया ऐसे ज़्यादा। बोलते भैया कहाँ गए, वैसे लोग उसको हम नहीं बोलेंगे, समझ गया ना, तो उसको ऐसा कसम नहीं है। विकासपुरी स्ट्रीट फूड का सबसे पहला आइटम जो है वो है वड़ा पाव, और ये हमने लिए मुंबई झकास पाव भाजी वाले से, जिनका जो काट है वो पीवीआर के बिल्कुल सामने। फिर हमने तीन वड़ा पाव लिए जिसका प्राइस है 100 रुपए। भाई आप ये वड़ा पाव देख सकते हो, आप इनका एकदम गर्मा गर्म वड़ा पाव है, मसाला वड़ा पाव है, और काफी सारी वैरायटीज है इनके पास वड़ा पाव की। तो हम पहले इनका एक बार ये वड़ा पाव ट्राई करके देखते हैं। तो टेस्ट तो एकदम भाई झकास है इनका, जैसा सेम मुंबई में टेस्ट होता है, बिल्कुल सेम फील दे रहा है इनका टेस्ट जो है। और जिनका बड़ा इन्होंने इसके अंदर डाल रखा है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है, साथ में आपको इसकी मिर्ची मिल जाएगी, क्योंकि बड़ा के साथ मतलब मुंबई के अंदर सर्व कर रहे थे, प्रॉपर सेम स्टाइल में मिल रहा है, और चटनी का टेस्ट है वो बिल्कुल सेम मिल रहा है। भाई बाकी यार इनका बड़ा बहुत सही लगा मेरे को, तो हम इसमें निपटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। तो भाई नेक्स्ट स्टॉप जो है हमारा वो है भाई JBI फलूदा वाला। भाई यहाँ पे एक बार हम पहले वीडियो बना चुके थे, यहाँ पे इनका भाई दोबारा से फलूदा कवर करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी इनका फलूदा। तो और आपको फलूदा दिखाते हैं और बादाम शेक्स दिखाते हैं। हमारा नेक्स्ट आइटम जो हम JBI आइसक्रीम वाले पे ट्राई करने वाले हैं वो इनका फलूदा, और इनकी एक ब्रेकलेंट आइसक्रीम ली हमने लार्ज के अंदर, और एक हमने इनका मिल्क बादाम शेक भी ले रखा है। पहले आप इनका फलूदा ट्राई करके दिखाता हूँ। ये हमारा रबरी फलूदा है, स्मॉल वाले का प्राइस, बाकी आप मैं इनकी प्राइस लिस्ट जो लगा दूंगा वीडियो में वहाँ से चेक कर सकते हो। तो फटाफट से इसको टेस्ट करके देखते हैं। काफ़ी सारे नट्स डाल रखे हैं, काजू किशमिश डाल रखी है, और चिया सीड्स भी डालती हैं इसके अंदर। तो एक बार इसकी बाइट लेके देखते हैं। तो यार फलूदा तो काफी टेस्टी लगा मेरे को, बहुत ज्यादा भाई यमी टेस्ट है इसका, और बहुत ज्यादा हैवी भी है। 2 स्कूप के आइसक्रीम के मिल जाएंगे आपको इसके अंदर, एक वनीला वाला और एक बटर स्कॉच। भाई बाकी टेस्ट जो है रबड़ी का एकदम प्रॉपर आ रहा है, काफी ठीक है, मजा आ रहा है खाने में। हाँ भाई काफी बढ़िया टेस्ट है, काफी मजा आ रहा है खाने में। चलो यार बादाम शेक भी ट्राई करके देखते हैं। यार हमारा नेक्स्ट आइटम हमने यहाँ पे लिया है वो है इनका बादाम मिल्क शेक। तो यार ये आप मिल्क शेक देख सकते हो, इनकी स्मॉल ग्लास की क्वांटिटी है। इसके अंदर भी काफी सारे नट्स डाल रखे हैं, ड्राई फ्रूट्स डाले हुए, काजू किशमिश बादाम सब कुछ ऐड कर रखा है। 2 स्कूप आइसक्रीम के मिल जाएंगे आपको इसके अंदर, और एक बार इसको भी हम फटाफट से ट्राई करके देखते हैं। यार ये भी काफी थिक है, बहुत ज्यादा रिच है फ्लेवर में, जैसे इसका नाम है बादाम मिल्क शेक, बहुत सारे बादाम डाल रखे हैं इसके अंदर। भाई देखो लोडेड एकदम बादाम से नट से, मतलब मजा आ गया। इसका प्राइस जैसे 50 रुपीज़ है स्मॉल ग्लास का, स्मॉल ग्लास की क्वांटिटी आप देख सकते हो काफी बड़ा है, मतलब सफिशियंट है एक बंदे के लिए। तो बाकी इसका हमने ब्लैक करंट आइसक्रीम भी लिया, तो उसको अगर हम ट्राई करके आपको बताते हैं। तो यार ये हमारा जो यहाँ का थर्ड आइटम है वो है ब्लैक करंट आइसक्रीम, हमने लार्ज लिया है, इसका प्राइस 50 रुपीज़। बाकी यार देखने में तो काफी अच्छे लग रहे हैं, इसके बहुत सारे नट्स हैं, हर चीज़ के अंदर बहुत सारे नट्स डाल रखे हैं। एक बार टेस्ट लेके देखते हैं। दिस इज टू गुड, मतलब मजा आ गया खाते, बहुत सही टेस्ट आ रहा है हर चीज का। तो चलो यार हमने 3 आइटम ट्राई करे, और विकासपुर के तरफ अभी तक हम 2 कार्ट्स कवर कर चुके हैं, तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट का ट्राई करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे थर्ड जगह पे आए हैं विकासपुर के अंदर, भाई मोमो एडिक्टिव, और भाई आप इनके पीछे मेरा स्टॉल देख सकते हो, बिल्कुल आपको इनके यहाँ पे स्टॉल दिख जाएगा। बाकी यहाँ पे हमने इनके पनीर वाले मोमोज लिए हैं, ये जो है 70 रुपीज के हाफ है, और बाकी हमने यहाँ पे वेज वाले भी लिए हैं, मतलब वो भी हमने हाफ भी लिए हैं। प्राइस जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से चेक कर सकते हो। बाकी यार मोमोज का साइज देख सकते हो आप, काफी जो है मोमोज का साइज काफी बड़ा, एकदम गर्मा गर्म मोमो है,
पांच पीस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे और लाल वाली चटनी इनकी जो है भाई बहुत एक्सट्रीमली स्पाइसी होती है, साथ में आपको मेयोनीज मिल जाएगी। भाई सबसे पहले हम इनके पनीर वाले मोमोज ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मसाला वगैरह डाल रखे हैं, एकदम गर्मा गर्म मोमोज हैं। मैंने एक बार पहले भी ट्राई करे थे, मतलब जेन्युइन टेस्ट है काफ़ी इनका। सबको टाइम मोमो तो भाई फेवरेट है ही मेरे, और बहुत जेन्युइन टेस्ट लगता है इनका यार। ये देखो ना पनीर की फिलिंग देखो इसके अंदर भाई, आपको ओवर प्राइस लगेंगे बट जो उसकी क्वालिटी है ना यार, क्वालिटी बहुत बढ़िया इनकी। और इनकी चटनी एकदम भाई स्पाइसी चटनी होगी, मोमो का असली मजा चटनी वैसे ही होता है। बाकी यार पीस का साइज आपने देखा ही, पनीर की फिलिंग आप देख सकते हो अंदर कितना लोडेड है ये भाई, मजा आ गया। और ये हमने इनके वेज वाले मोमोज भी लिए हैं, हाँ फिर टेस्ट जो है इनका बहुत सही लगता है हमें तो। बाकी आप देख सकते हो इसके अंदर आपको 5 पीसेस मिल जाएंगे, सेम चटनी होती है एकदम स्पाइसी वाली। तो यार भाई रुकन जरा साइज देखो यार वेज का भाई एक्सट्रीमली लार्ज साइज है ये तो। फटाफट से इसकी एक बाइट लेते हैं। यार इनके जो वेज वाले मोमोज हैं वो भी बहुत सही है, मतलब यार मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, दिस इज टू गुड, एकदम ऑसम टेस्ट है इनका। बाकी आप सबको तो दिल्ली वालों के मोमोज तो एकदम फेवरेट होते ही हैं, तो मेरे भी हैं। बाकी चटनी भाई नेक्स्ट लेवल, मतलब ओवरऑल बहुत बढ़िया है। जो लोकेशन है कि भाई मोमो एडिक्टिव भाई विकासपुरी में, एक्जैक्ट लोकेशन डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा। जो यार कुछ आगे चलता है विकासपुर के अंदर थोड़ी और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। साइड में वो है भाई वेज काठी रोल हमारा, और ये हमने लिया भाई फेमस काठी रोल वाले से, जो कि विकासपुरी के अंदर पीकर के बिल्कुल सामने इनका घाट है, मुंबई झकास पावाजी के बिल्कुल सामने। मैं फटाफट से इसकी एक बाइट लेके देखते हैं कि टेस्ट कैसा है, और जो उसका प्राइस है वो है 30 रुपीज। तो रोल का टेस्ट मतलब एवरेज लगा मेरे को इतना, मतलब ओके नहीं, मतलब 30 रुपीज के हिसाब से ठीक है, बिल्कुल वाह वाला टेस्ट नहीं है। बाकी उन्होंने मेयोनीज वगैरह और मतलब हरी चटनी लाल चटनी वगैरह चीज़ें डाल रखी हैं। तो हमने यार विकासपुर में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, और हमने लगभग 4 आउटलेट्स कवर करने की कोशिश करी, और बहुत सारा आइटम उन पर ट्राई करा। तो यार अगर आपको कोई भी चीज़ फेवरेट लगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और हम ऐसी और वीडियोस लेके आते रहेंगे। बाकी सबसे बेस्ट जो हमें लगा भाई वो लगा इनके जो वड़ा पाव, तो सबसे बढ़िया लगा। और जो हमारे मोमोज थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, मतलब स्टार्टिंग के तीनों आइटम बहुत बढ़िया थे, बट जो काठी रोल था वो थोड़ा ओके लगा हमें। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, और यार इंस्टाग्राम फेसबुक में फॉलो कर लेना। चलो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।